हेलो दोस्तों आज हम कवर करेंगे टाटा ओमेंस प्राइवर लीग का मैच जो खेला जाएगा दिल्ली ओमेंस और बंगला बंगलोर ओमेंस का बीच ये मुकाबला होगा उनके बारे में ये कब और कहां होगा पिच रिपोर्ट क्या रहने वाला है क्या बैटिंग पिच है या बॉलिंग पिच अगर बैटिंग पिच है तो कौन सा बैट्समैन चलेगा अगर बॉलिंग पिच है तो कौन सा बॉलर चलेगा अगर बाइलेंस पिच है तो कौन सा ऑलराउंडर चलेगा अगर बैटिंग पिच है तो कैप्टन और वाइस कैप्टन यूनिक कौन होगा अगर बाइलेंस पिच है तो कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन होगा ये सारा डिटेल्स इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा बीट आउट बिना स्किप किए इस वीडियो को एन तक जरूर देखना अगर वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना चलिए आपको ज़्यादा समय ना लेते हुए विकेट कीपर सेक्शन से बात करते हैं रिचा को बेंगलोर के वोमेंस की तरफ से ये बैटिंग करेगा और नीचे उतरने के बावजूद भी अच्छे खासे हैं हालांकि एस्ट्रोंग के बात करें तो को टीम की तरफ से टी भाटिया है जो कि दिल्ली ओमेन्स की तरफ से खेल रही है दिल्ली ओमेंस तीन मुकाबले हेड टू हेड खेली है तीनों का तीनों जय दिल्ली ओमेन्स ने जीती है कहीं ना कहीं दिल्ली ओमेंस काफ़ी टीम है और बेंगलुरु ओमेंस के ये दो विकेट कीपर का लाइनअप में नाम शामिल है इन दो विकेट कीपर का रिकॉर्ड के बात करें तो एक का है के फॉर्म जबरदस्त चल रहा है इसलिए बेंगलुरु की तरफ से रिसा घोष को जरूर रखेगा चार नंबर में बैटिंग करने आती है काफ़ी लाजवाब प्रदर्शन करती है जिसके कारण ने साल एक्सन परसेंट के बात करें तो संतानवे पॉइंट सेवन परसेंट हो गया है इसीलिए मैं अपनी टीम में विकेट रिसा घोष को लूँगा बेस्टमैन सेक्शन में बात कर लेते हैं एम लेवन रिकॉर्ड ठीक ठाक है अच्छे खासे प्रदर्शन कर रही है और एस मातना अच्छे खासे अनुभवी और एक्सपीरियंस है इनके अंदर काफ़ी भी लंबे स्कोर कर सकती है एस वर्मा इस टीम का अगेंस्ट काफ़ी लाजवाब प्रदर्शन करती है ना अच्छे खासे प्रदर्शन नहीं करते हैं लेकिन ठीक ठाक है एस मॉल का वो ओपनर है नाम न ओपनर में शामिल है अच्छे खासे प्रदर्शन कर सकती है ये चार बॉलर बैट्समैन को अपनी टीम में रखना चाहिए चार बैट्समैन में, में के रखने के बाद देखिए मैं आप लोग को पिच रिपोर्ट बता देते हैं पिच रिपोर्ट जो है बैटिंग पिच है गुड पॉ स्पिनर है यहाँ पर एवरेज स्कोर एक सौ चौवालीस है भेनू अरुण जेटली स्टेडियम जो कि दिल्ली में खेला जाएगा अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली हालांकि दिल्ली वोमेंस भी तीन मुकाबले खेली है तीनों का तीनों जीती है जिस भी ग्राउंड पर मुकाबले होती है के प्लेयर को जीतने का चांस नाइन्टी नाइन परसेंट रहता है हालांकि इस्ट्रॉन्ग अभी फिलहाल के लिए दिल्ली है दिल्ली पैदा और इस ग्राउंड पर कुल मिलाकर रन के मैच के बात करें तो कुल मिलाकर नौ मुकाबले हुए हैं नौ मुकाबले में से बैटिंग फर्स्ट करने वाले चार मुकाबले जीते हैं बैटिंग जो सेकंड करने वाले हैं वो नौ मुकाबले जीते हैं कहीं ना कहीं बैटिंग सेकंड करना अच्छे खासे सपोर्ट मिलता है अगर बॉलिंग फर्स्ट इनिंग में करेगा जो टीम पहले बॉलिंग करेगा उनको जीतने का चांस अच्छे खासे रहेगा और जो पहले बैटिंग करेगा उसको फ्लॉप्स होने का चांस 99 परसेंट रहेगा अब चलिए वर्लंड सेक्शन में बात कर लेते हैं वेल सेक्शन ए रेस अच्छे खासे हैं बंगलोरों की तरफ से पार्ट टाइम ओवर करता है ठीक ठाक है एस जो भी अच्छे खासे प्रदर्शन करती है कभी हाई स्कोर करती है कभी लोअर स्कोर करती है लेकिन दिल्ली वोमेंस की तरफ इनकी फीका पड़ जाती है एम फैग जो है अच्छे खासे हैं और ये नीचे उतरती है ठीक ठाक प्रदर्शन कर लेती है एस एफ यह अच्छे खासे प्रदर्शन कर रहा है एस जॉक्शन ठीक ठाक है गर्ल अच्छे खासे हैं उसके बाद क्या शोट अनुभवी और एक्सपीरियंस है इन सब वॉलेंडर में से आप लोग किसी वॉलेंडर को ट्राई कर सकते हैं सब का तो नहीं ले पाएंगे लेकिन इसीलिए सब में से आप किसी दो एक को मेरे हिसाब से आज भिया ए में से किसी एक के साथ जाइएगा तो आपका टीम अच्छे खासे बनेगा यहाँ पर आप अच्छे खासे अनुभव एक्सपीरियंस के साथ जा सकते हैं इसे लेने के बाद देखिए आप बॉलर सेक्शन में आते हैं बॉलक सेक्शन में राधा यादव अच्छे खाता है अच्छे खासे प्रदर्शन कर रही है इसे नहीं रखने के बाद देखिए इंपॉर्टेंट जो आर एडिया ए एस इसे अपने टीम में रख सकते हैं या उसके जगह पूनम यादव खेलेगी तो इसे अपने टीम में रख सकते हैं टी वेस्ट खेली है अच्छी खासी प्रदर्शन किए हैं लेकिन मुझे पाँच छः का कॉम्बिनेशन बनाना है पाँच छः का कॉम्बिनेशन बनाना है तो मैंने दिल्ली में राधा यादव को रखे हैं और यहाँ बेंगलोरु में आशा ए आशा रखा है रिकॉर्ड ठीक ठाक है और सेलेक्शन परसेंट भी कम है यूनिक होगा दो मैं बॉलर रखा हूँ दो बॉलर रखने के बाद देखिए मैं चार ऑलराउंडर रखा हूँ चार ऑलराउंडर रखने के बाद देखिए मैंने यहाँ पर चार बैट्समैन रखा हूँ और चार बैट्समैन रखने के बाद देखिए एक विकेट कीपर रखा हूँ अब नेस्ट करता हूँ मेरा पाँच एक कॉम्बिनेशन बन गया है पाँच एक कॉम्बिनेशन बनने के बाद देखिए मैं नेस्ट करता हूँ नेस्ट करने के बाद अब कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी का मेन भूमिका निभाते हैं आप भी जानते हैं जिस भी टीम से कैप्टन और वाइस कैप्टन अच्छे परफॉर्म कर गया उन टीम का चलने का उम्मीद और उस टीम को परफॉर्म करने का चांस बहुत अधिक रहता है लेकिन कुछ प्लेयर ऐसे हैं जिनका सलेक्शन परसेंट काफ़ी कम है कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के और जिनका सलेक्शन परसेंट हाई है उस कैप्टन और वाइस कैप्टन को फ्लॉप्स होने का संभावना बना रहेगा देखिए यहाँ पर यहाँ पर मैं कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की बात करें तो कि रिसा घोष ओपनर है ध्यान से देखिएगा रिसा घोष ओपनर है और ये चार नंबर में बैटिंग आउटर आते हैं और रिसेंट के मैच के अनुसार देखा जाए तो इन्हें काफ़ी अच्छे स्कोर है काफ़ी अच्छे स्कोर है कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी काम दिया है लेकिन इसे अपनी टीम में नहीं कैप्टन और वाइस कैप्टन देना चाहिए क्योंकि इनका बैटिंग ऑर्डर चार नंबर में आता है एस मादना का है जिनका सलेक्शन परसेंट काफ़ी हाँ है और कैप्टन और वाइस कैप्टन ये बेंगलोरों की तरफ से है कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए से पिक माना जाता है लेकिन मेरे हिसाब से इसे भी कैप्टन और वाइस कैप्टन ना दे वो भी ठीक रहेगा और मुझे एल लेवन सेलेक्शन परसेंट कम है कैप्टनशी और वाइस कैप्टनशी के लिए अच्छा खासा रहेगा अगर आप लोग बैटिंग के फेवर में कैप्टन और वाइस कैप्टन देना चाहते हैं तो एन जोक्सन ऑलराउंडर को है वाइस कैप्टन इसे दे सकते हैं लेकिन यहाँ है, पर अगर आप लोग कैप्टन और वाइस कैप्टन थोड़ा बैटिंग का फेवर में देना चाहते हैं तो ऑलराउंडर में सेफ कैप्टन रहेगा ए एस पे, जो कि नीचे उतारती है तीन नंबर में अच्छे खासे प्रदर्शन करती है और बैटिंग और बॉलिंग दोनों से पॉइंट देगी कैप्टन के रूप में इसे दीजिएगा वाइस कैप्टन के रूप में एस बर्मा को दीजिएगा क्योंकि इस टीम का एक मुकाबले में से अच्छा खासा प्रदर्शन की है इसीलिए कैप्टन जो है मेरा एस रहेगा वाइस कैप्टन के रूप में जो मेरा रहेगा एस वर्मा रहेगा हालांकि दिल्ली स्ट्रॉन्ग है इसलिए मैं दिल्ली की तरफ से टीम बनाया हूं सेव टीम करता हूं सेव टीम करने के बाद देखिए मेरा टीम का परव्यू किस तरह से रहता है ध्यान से देखिएगा मेरा टीम का परव्यू इस तरह से रहेगा अभी फिलहाल के लिए इस तरह से रहेगा हाईअप ये वीडियो आपको पसंद आए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो जय हिंद दोस्तों